हेलो यस जय हिंद दोस्तों विक्रम स्वागत है आप सभी का आज लेक्चर के इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आज हमारी बेसिक मैथ्स की आखिरी क्लास है और उम्मीद करता हूं आपने इस पूरी जर्नी को एंजॉय किया होगा जो बेसिक मैथ्स का आपका इलेवेंथ का पार्ट है जिन बच्चों की इलेवंथ क्लास बर्बाद हो गई उनको भी थोड़ा बहुत वापस एक बार रिवाइज हो गया होगा मंडे से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर है और मैट्रिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो आज आपकी आखिरी क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीमा और अवकलज की बात करेंगे स्पेशली सीमा वाला पोर्शन करेंगे क्योंकि अवकलश जो है वो तो आप ट्वेल्थ में भी करोगे तो उसके दो चार पांच फॉर्मूले पढ़ लेंगे कुछ एक चीजें याद कर लेंगे बस इतनी सी बात पढ़नी आपको आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हो मस्त हो चकमक सितारे होंगे तो अगर हम बात करें कि यार सीमा और अवकलज है क्या क्या है सीमा क्या आप जानते हो सीमा के बारे में एक होता है परिभाषित फलन एक होता है परिभाषित फलन और एक होता है अपरिभाषित फलन दो तरह के फलन आपने आपके जीवन में देखे होंगे परिभाषित कौन से होते हैं तो माना y बराबर एफ ओफ एक्स अच्छा आप में से कितने बच्चों को बताया कि अपरिभाषित फलन क्या होता है कितने बच्चे बता सकते हैं कमेंट करके माना y बराबर एफ ओफ चर एक्स का कोई फलन है ठीक है माना y बराबर एफ ओफ एक्स चर x का कोई एक फलन है चर x का मतलब यानी कि चर वो मान जिसके मान में परिवर्तन होता हो कितने बच्चे इस बात को एग्री करते हैं बहुत से बच्चे भाई आप यकीन मानोगे ट्वेल्थ क्लास के बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको चर और अचर नहीं पता इतनी छोटी छोटी, छोटी चीजें नहीं पता और आपको यकीन ही नहीं होगा इस बात पर तो मैंने पूछ लिया था एक दिन वेरिएबल और कॉन्स्टेंट क्या है तो वो थोड़ी देर तक इधर उधर सकल ही देखते रहे दूसरे के पास वाला बता दे अब उसको थोड़ी पता है कि पास वाला भी बॉटी और ये भी बॉटी है बस पढ़ा रटा और खत्म इतना ही किया उन्होंने पूरे जीवन भर मेरी क्लास में ज्यादा बच्चे आओ कम बच्चे आए कोई फर्क नहीं पड़ता एक आएगा तो भी उतनी शिद्दत से पढ़ाऊंगा हजार आएंगे तो भी उतनी शिद्दत से और दस हजार आएंगे तो भी उतनी शिद्दत शिद्दत कम नहीं होनी चाहिए पढ़ाने की तब तो फिर मजा है तब तो आप कह सकते हो कि हाँ टीचिंग आपका पैशन है अगर आप हजार बच्चों में आपकी अलग एनर्जी है और दस बच्चों में अलग एनर्जी है तो वो फील नहीं आता पढ़ने पढ़ाने का फिर वो कहते हैं कि बोले ठीक है यार तो बच्चे देख के पढ़ा रहे नहीं चचा उधर तो नजरें बहुत कम होती है हमारी पढ़ा बच्चों का कमेंट होता है कुछ पूछना होता है तो हम देखते हैं बाकी तो क्या है चिल मारने का और मस्त रहने का हाँ तो माना भाई बराबर एफओक्स का कोई एक फलन है हेलो आर यू गेटिंग माई वॉइस क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है ना बाद में मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं हम्म हम्म एक बच्चा कह रहा जो मान नियत नहीं हो वेरी गुड एक्स बराबर ए पर फलन का मान माना वाई बराबर एफोफ एक्स चर एक्स का कोई एक फलन है तो एक्स बराबर ए पर फलन का मान परिभाषित कहलाता है क्यों क्यों यदि एफ ऑफ ए का मान परिभाषित है <coughs> इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो परिभाषित लिख सकते हो परिभाषित नहीं लिखना चाहो आप कुछ और लिखना चाहो कि नहीं सर ये तो परिभाषित परिभाषित एक जैसा हो गया आप चाहो इसको नहीं तो इसको आप आपकी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो घर की घर में जो लैंग्वेज यूज में आती है कि यदि एफ ऑफ ए का मान निश्चित या परिमित है परिमित मतलब काउंटेबल है गिना जा सकता है ठीक है? एक बच्चा पूछ रहा न्यू क्लास कब से ये न्यू ही क्लास चल रही है भाई देखो ये आप लोगों के बीच में सही है गुड मॉर्निंग तो यदि एफोफे का मान निश्चित एवं परिमित या परिमित राशि बोल सकते हो परिमित को आप कहीं कहीं पर आपको किताब में परिमित राशि देखने को मिलेगा कहीं केवल निश्चित मान देखने को मिलेगा हालांकि मैंने लिख दिया कि एफ का मान निश्चित या परिमित है क्लियर अब इसको समझो कि कैसे जैसे मान लो ये कहने का मतलब है एफ ऑफ एक्स बराबर मान लेते हैं तीन एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस सात है अब एक्स बराबर ए पर मैं, मुझे इसको चेक करना है एक्स बराबर ए पर किस पर चेक कर रहा हूं एक्स बराबर ए पर फलन का मान चेक कर रहा हूं मैं जो परिभाषा लिखी है ना इसी परिभाषा को एक्स बराबर ए एक क्या सॉरी दो लेते हैं एक्स बराबर दो पर फलन का मान चेक करना है आपको ठीक है तो आपने लिखा तीन गुणा दो का स्क्वायर प्लस दो गुणा दो प्लस सात अगर हम ध्यान से देखें तो दो का स्क्वायर चार चार दिया बारह प्लस दो दो ने चार प्लस सात बारह और चार सोलह सोलह और सात कितने होते हैं कि खूब सारे होते हैं छह और सात तेरह तेईस होंगे सात और चार ग्यारह ग्यारह बारह तेरह और दस तेईस आ जाएगा एफ ऑफ दो का मान कितना है तेईस है और ये परिभाषा क्या, क्या कहती है ये कहती है कि माना F of X, चर का कोई फलन है या कोई बहुपद है।, है।, है, है कब यदि या परिमित हो तो ये मान जो आपको मिला है वो क्या है निश्चित या एक परिमित मान आपको प्राप्त हुआ है तो आप कह सकते हो कि ये एक परिभाषित फलन है अब अगर हम बात करें कि अगर ये परिभाषित हो तो फिर अपरिभाषित क्या होगा अपरिभाषित फलन परिभाषित फलन कैसा फलन कोई भी फलन कोई फलन यदि जीरो बाय जीरो इन्फिनिटी बाय जीरो इन्फिनिटी गुणा जीरो ठीक है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इन्फिनिटी की घात इन्फिनिटी यानी कि अनंत की घात अनंत इसके कोई फलन यदि इसके या इस रूप में हो तब फलन अपरिभाषित कहलाता है अपरिभाषित कहलाता है कितना आसान है कि इनमें से किसी भी रूप का उदाहरण देख लो x बराबर दो पर एफ ओफ एक्स बराबर एक्स प्लस दो और एक्स माइनस दो जैसे ही आप नीचे जीरो लिखोगे एक्स की जगह दो लिखोगे नीचे जीरो बन जाएगा फलन अपरिभाषित हो जाएगा मतलब इसको हल नहीं किया जा सकता बात पल्ले पड़ रही है ना अरे वाह बहुत बढ़िया साहब बात पल्ले पड़ रही है और भी कोई आप एग्जाम्पल देख सकते हो ऐसा जैसे एक्स की जगह आप कोई दूसरा मान रख लो और कोई उदाहरण देख लो ताजा एकदम फ्रेश उदाहरण बना देता हूं एक्स की जगह माइनस पांच रख दो नीचे प्लस पांच बना देना एक बटा एक्स प्लस पांच एक्स की जगह माइनस पांच रखने पर जीरो बन रहा है मतलब अपरिभाषित आप कह सकते हो कि फलन कमान संभव नहीं है यानी परिमित मान नहीं आ रहा परिमित नहीं आ रहा तो मतलब अपरिमित मान आ रहा बात क्लियर यहां तक की बात समझ में आ गई पल्ले पड़ गया ए डा दिख रहा है ना थोड़ा सा कोई बात नहीं मैनेज तो कर ही लोगे आप लोग ठीक है छह बजे आपकी क्लास होती है तो जो भी बच्चे पहली बार आए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर सकते हो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है यानी कि व्हाट्सअप चैनल तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है वो कर सकते हो और एप्लीकेशन डाउनलोड किए तो वो भी कर सकते हो और इन सब में से किसी चीज में प्रॉब्लम आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा नंबर है उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा हम आपकी सेवा में तत्पर हैं चलिए तो ये हुए अपरिभाषित अब आता है फलन की सीमा का अस्तित्व अगला टॉपिक एक्स बराबर ए पर फलन की सीमा का अस्तित्व होगा यदि इसको आप ये भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो एक्स टेंड टू ए पर फलन की सीमा का अस्तित्व होगा यदि लिमिट एक्स टेंड टू एफ ओ फैक्स ए के आगे माइनस लगा दो बराबर लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ ओ फैक्स इसको आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट के अगर ऐसा है तो आप कह सकते हो फलन की सीमा का अस्तित्व होगा बोलो बात समझ में आई के बल्लो बात समझ में आई के लो बात समझ में आई के यहां तक क्लियर कि फलन की सीमा का अस्तित्व कब होगा एक्स टू ए पर फलन की सीमा का अस्तित्व होगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होगी या उस बिंदु पर भी फलन का मान आपस में बराबर होगा क्लियर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है आगे चलें यहां तक किसी बच्चे के मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो किसी भी बच्चे के मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है जल्दी बोलो फटाफट कौन है ये सर प्लीज डाउट क्लियर करो क्या चीज डाउट पूछा ही नहीं क्लियर कैसे करें बताओ अपरिमेय संख्या को अपरिभाषित कह सकते हैं क्या सर प्लीज रिप्लाई अपरिमेय संख्या अब इसको समझना आप क्या बोल रहे हो अपरिमेय संख्या और वो तो वैसे भी परिभाषित होती है ना भाई अपरिभाषित कैसे बोल सकते हो आप उसको अपरिभाषित का रूप ही मैंने आपको बता दिया क्या वो उस रूप में है नहीं क्या हर में जीरो आ रहा है नहीं क्या अनंत आ रहा है नहीं सिर्फ सीधा सीधा सा मान रखना है कोई ज्यादा इसके अंदर दिमाग लगाना ही नहीं है आपको सिर्फ सीधा सा मान केवल सीधा सीधा मान रखना है आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चलिए कुछ फॉर्मूले हैं वो एक बार देख लेते हैं फलनों की सीमा फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा फलनों की सीमा पहले नंबर पर आता है अगर लिमिट आपको ऐसे दे दिया x टेंड टू ए एफ ऑफ ए तो आप के को बाहर निकाल सकते हो एफ ऑफ एक्स तो आप के को बाहर निकाल सकते हो और यहां लिख सकते हो लिमिट एक्स टेन टू ए एफ ऑफ एक्स इसमें भी अगर एक्स की जगह आप ए पुट कर दोगे तो यह आ जाएगा के एफ ऑफ ए लिमिट को इस तरह से भी लिखा जा सकता है क्लियर अगर इसके अलावा ये तो आपने एक फॉर्मूला देखा इस केस में भी सीमा का अस्तित्व हो सकता है फलनों की सीमा लिमिट x टेंड टू जीरो x पहले दो ये डायरेक्ट देख लो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो अगर sin x है एक्स की जगह जीरो रख देंगे तो डायरेक्ट आपका मान कितना आ जाएगा जीरो अगर हम लिमिट टेन टू जीरो जीरो रख देंगे तो मान आ जाएगा एक लिमिट टेन टू जीरो अगर साइन एक्स अपॉन एक्स रख देंगे तो इसका मान आ जाएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ध्यान से देखना बहुत से बच्चे गलती करते हैं एक दो और तीन अगर ये तीनों का मान समान हुआ और ये टेंस टू जीरो हुआ तब इसका मान एक होगा कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको है ना इसकी जगह अगर दो भी लिखा होता है तब भी कर देंगे बोलते सर ऐसा ही होता है अब ऐसा होता नहीं है इसको लिख लोगे तो थोड़ा सा फायदे में रहोगे चीजें याद हो जाएगी क्योंकि ये ना कंटिन्यूटी में दो चार जगह काम आता है और फिर बच्चे है ना एंड टाइम तक सोचते रहते हैं कि सर कहाँ से लिखें इसको समझ रहे हो ये काम में आती है चीज़ें और फिर बच्चे पूछते हैं कि सर कहाँ से लिखें इसके, इसकी फोटो ले सकते हो आप ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा एक फॉर्मूला ऐसा है जो इतना भारी है भाई हर जगह काम में आता है और आप लोगों ने भी उससे पाला आपका भी पढ़ा ही होगा आ, बताना कमेंट करके कितने बच्चों का इस फॉर्मूले से पाला पड़ा है लिमिट एक्स टेन टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बटा एक्स माइनस ए बराबर एन ए एन माइनस वन कितने बच्चे ऐसे जिनका इससे पाला पड़ा था मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट जीरो का मान कितना होता है कि कॉस्ट जीरो का मान एक ही होता है इसलिए यहां पर एक लिख दिया इसका उल्टा भी होगा ना अगर एक्स अपॉन साइन एक्सन तब भी इसका मान यही होगा कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऐसा तो हमने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा अरे भैया लिमिट एक्स टेंड टू जीरो अगर साइन एक्स अपॉन एक्स है तब भी एक है एक्स अपॉन साइन एक्स है तब भी इसका मान एक ही होगा ऐसा, तो हो ऐसा नहीं कि आप इसकी जगह जीरो रख सकते हो नहीं इंटेलिजेंट बच्चे हो यार आप सब लोग तो ब्रह्मा का वरदान मिला है आप सभी लोगों को भूल जाते हो आप लोग सही बोल रहे हैं ना <coughs> ठीक है वेरी गुड नेक्स्ट एक और आप लिख सकते हो लिमिट x टेन टू साइन आ गया कोर्स आ गया टेन एक्स लिख देते हैं लिमिट एक्स टेंट टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स इसका मान भी कितना होता है एक होता है साथ साथ में नोट करते जाइएगा ताकि आपके लिए बेनिफिट होगा साथ साथ-साथ में नोट करते जाइएगा आपके लिए बेनिफिट होगा अब आता है पलनों का बीजगणित। अगला टॉपिक है सीमाओं का बीजगणित, गणित ऑफ लिमिट्स, पहले नंबर पर आता है सबसे इजी कि क्या क्या हो सकता है मान लीजिए मैंने लिख दिया लिमिट टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ऐसा लगा दिया और बीच में माइनस का साइन लगा दिया तो भैया ये लिमिट इस पे भी लग जाएगी ये लिमिट इस पे भी लग जाएगी इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट x टेंड टू a g ऑफ एक्स यानी इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है लिमिट x टेंड टू एफ ऑफ एक्स गुणा जी ऑफ एक्स अगर ये गुणा में हो तो उसके इसमें क्या लगेगा उस केस में लिमिट गुणा में भी चली जाती है लिमिट टेन टू ए एफ ऑफ एक्स गुणा लिमिट टेन टू ए जी ऑफ एक्स इसके बाद लिमिट टेन टू ए एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स अगर कहीं पर लिखा गया हो तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंड टू एफ ओफ एक्स लिमिट एक्स टेंड टू ए जी ओफेक्स ऐसा नहीं है कि एक रुपया है तो आधा इसको बांट दिया आधा इसको बांट दे ऐसा गलती से भी मत कर देना गलत हो जाएगा क्लियर माइक प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं है सब सही है तो लिमिट आपने देखा कि अगर आप गुणा कर सकते हो भाग कर सकते हो जोड़ कर सकते हो अगर ये अकेला होता ना जैसे मान लीजिए ऐसा होता लिमिट एक्स टेंड टू ए एक बटा एफ ऑफ एक्स तो ये लिमिट इसके साथ भी चला जाता गरीब है बिल्कुल जो जहां ले जाता है इसके साथ चला जाता है बेचारा एफ ऑफ एक्स ऐसे कौन ये टेलीग्राम ग्रुप पर डाउट सॉल्व नहीं होता बहुत भारी हो तुम बहुत भारी हो बहुत ज्यादा भारी हो भाई कहां से हो आप झूठ बोलने का पैसा मिल पैसा वैसा मिलता है क्या तुम लोगों को एक बच्चे ने कल क्लास में कमेंट किया था कि मैथ्स मत पढ़ना हाँ तो मत पढ़ो हम कौन सा कह रहे हैं कि हमसे पढ़ो हम तो कह रहे हैं जिसका समझ आए उससे पढ़ो टेलीग्राम ग्रुप तो अभी तक बनाया ही नहीं और ये कह रहा है कि ग्रुप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता वाह बहुत भारी साहब बहुत भारी इस बच्चे को ए की तरफ से ग्यारह सौ रुपये नारियल श्रीफल और वो साफा वाफा पहनाएंगे इसको पता नहीं कहाँ से आते हैं यार भगवान ही जाने इनको क्या पैसे वैसे मिलते हैं क्या देखो आप मेरी अच्छाई करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बुराई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं इन चीज़ों से वैसे ऊपर उठ चुका हूँ बहुत ऊपर मेरा सिर्फ एक ही मोटो है पढ़ाना अब आप अच्छाई लेके पढ़ो बुराई दे पढ़ो आपका काम है पढ़ना बहुत भारी बच्चा है यार आप ग्रुप ऑन करके देखना कभी पुराने वाला ग्रुप जैसे ही टाइम मिलता है आपके क्वेश्चन का जवाब मिलता है और अगले दिन मैं कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट डे आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाए मैं नहीं देता हूं तो ग्रुप के बाकी बच्चे दे देते हैं बहुत भारी बच्चे हैं यार भगवान ही जाने कौन से ब्रह्मा का वरदान मिला है क्या बाकी तो आपकी चॉइस है देखो आपका काम अच्छा बोलना बुरा बोलना आपका काम सिर्फ पढ़ना है जहां से अच्छा लग रहा वहां से पढ़ लो कोई जबरदस्ती नहीं है अपन अपने, अपने चिल्ल मार के पढ़ाते हैं एकदम बिल्कुल मस्त बिंदास आखिरी दिन तक जिन बच्चों ने पिछले साल पिछले तीन साल से चार साल से जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता है एग्जाम अगर कल है तो मैं आज तक पढ़ाऊंगा सुबह पांच बजे भी पढ़ाया है रात को ग्यारह बजे भी पढ़ाया है दिन का तो खैर कह ही नहीं सकता मैं क्योंकि दिन में तो क्लास वैसे ही होती है पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं यार इनको क्या पैसे वैसे मिलते हैं क्या मोदी सरकार की तरफ से पैसा वैसा मिलता है क्या किसी की बुराई करने का है बाबू बाबू सरकार की तरफ से पैसा वैसा मिलता होता हमें ही बताओ हम ही करेंगे फिर ये काम <coughs> लो आप फटाफट फटाफट अभी तक आपने जितनी भी चीजें सीखी ना अब इनको अप्लाई कर लेते हैं क्वेश्चंस के ऊपर हर एक अलग अलग तरीके क्वेश्चन कर लेते हैं पांच पांच ताकि आपको पुराना रिवाइज हो जाएगा और फिर उसके साथ साथ में अवकलन के फॉर्मूले ठीक है सोने पे सुहागा पहला क्वेश्चन ये रहा कि लिमिट एक्स टेंड टू माइनस वन आप लोगों की जिम्मेदारी इस क्वेश्चन को करना माइनस पांच का होल स्क्वायर माइनस सात इसका मान बताओ क्या होगा x टेंस टू माइनस वन है x टेंस टू माइनस वन है दो एक्स स्क्वायर माइनस पांच का होल स्क्वायर माइनस सात बराबर जीरो एक्स की जगह कितना रखोगे एक्स की जगह माइनस एक रखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये परिभाषित फलन है सबसे पहला ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम डायरेक्ट इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना ये भॉट बच्चा भी कर सकता है जिसको लगता है कि बचपन में आपने बॉन्विटा नहीं खाया है वो भी कर सकता है अगर लाइट बंद हो जाए तो समझ जाइएगा लाइट चली गई है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना बड़ी सिंपल सा है एक्स की जगह माइनस वन रख दीजिए तो ये आ जाएगा दो माइनस एक का स्क्वायर माइनस पांच और यहां पर आप इसे लिख सकते हो इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस का साथ यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस एक का स्क्वायर प्लस एक होता है एक को दो से गुणा करेंगे दो आएगा दो में से पांच को घटा देंगे माइनस का तीन आएगा माइनस के तीन का होल स्क्वायर माइनस का सात तीन का होल स्क्वायर नौ होता है नौ में से सात गया दो चला जाएगा ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका दो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना कितने बच्चों का दो आ गया वेरी गुड अगला क्वेश्चन दू क्या अगला क्वेश्चन करो ये भी डायरेक्ट ही करना है आपको क्वेश्चन है आपका लिमिट एक्स टेन टू दो एक्स स्क्वायर माइनस नो बटा एक्स प्लस दो अभी सिर्फ डायरेक्ट वाले बता रहा हूं अभी सिर्फ डायरेक्ट वाले बता रहा हूँ आपको ये प्रश्न है और ये इसका सॉल्यूशन है x की जगह दो रखने पर फलन अपरिभाषित रूप में नहीं बन रहा है मतलब x की जगह अगर मैं दो रखूंगा तो ये बनेगा दो का स्क्वायर माइनस नौ बटा दो प्लस दो तो यहां पर आप लिख सकते हो दो का स्क्वायर कितना आ जाएगा चार चार माइनस नौ बटा दो प्लस दो चार इस चार से चार को काट दूंगा भाई साहब अभी एक बच्चे को पढ़ा रहा था मैं बहुत भारी लेवल का बच्चा चार से चार काट दिया कह रहा कि ऊपर और नीचे ही तो काट सकते हैं इतना भारी नौ में से चार गया आपको लग रहा होगा कि सर झूठ बोलते हैं कोई झूठ नहीं बोलता भाई मैं काट दिया उसने सच में ट्वेल्थ क्लास का बच्चा कह रहा है कि हमारा थोड़ा सा ना बोर्ड मास वीक है मैंने थोड़ा नहीं पूरा ही वीक है तुमने बोर्ड मास नहीं मास बोर्ड पढ़ लिया है उल्टा पढ़ लिया है उसको अब देखो इस क्वेश्चन को देखने पर आपको पता लग रहा है कि एक्स की जगह दो रखने पर फलन परिभाषित हो रहा है इसलिए हमने डायरेक्ट मान इसमें रख दिया एक और क्वेश्चन कर लो चलो इतनी दूर आए हो तो लिमिट एक्सटेन टू एक अंडर रूट एक प्लस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक माइनस एक्स बटा चार इसका मान बताना कौन बता पाएगा है कोई बताने वाला इसको थोड़ा सा नीचे वाला चार कोई काम नहीं आ रहा इसको हटा देते हैं इसकी जगह कुछ और लगा देते हैं अच्छा नहीं लग रहा मेरे को देखने में बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रहा मेरी तरह फट बता दो बायोलॉजी की क्लास इसलिए रुक गई क्योंकि एक सिस्टम से केवल एक ही आ, मतलब एक बैकअप से केवल एक बोर्ड चल सकता है इसलिए क्लास रुक गई सर की मैम की क्लास भी थोड़ी देर में चालू हो जाएगी जैसे लाइट आ जाएंगे ठीक है मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात कर रहा हूं हिंदी मीडियम वालों को नहीं पढ़ाता मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा ऑनलाइन की बात कर रहा हूं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात कर रहा हूं ऑफलाइन की तो x बराबर जीरो रखने पर पढ़ क्या रहा है कि ऊपर वाला पद जो है वो बड़ा ही गंदा सा दिख रहा है x की जगह जीरो रख देंगे तो ये आ जाएगा रूट में एक प्लस जीरो माइनस रूट में एक माइनस जीरो बटा तीन प्लस जीरो तो ऊपर जो आएगा रूट एक माइनस रूट एक बटा तीन एक माइनस एक बटा तीन एक माइनस एक, एक, एक आता है जीरो बटा तीन जीरो बटा तीन होता है जीरो क्या ये परिभाषित है हा क्यों क्योंकि रूट क्योंकि जीरो जो है वो हर में नहीं बन रहा अगर जीरो हर में बन रहा होता तो हम कह देते कि साहब ये जो है वो तो अपरिभाषित है तो ये डायरेक्ट वाला था ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है अब थोड़े से जो डायरेक्ट नहीं है उनकी बात कर लेते हैं इसको लिख लो डायरेक्ट नहीं है ना इसको हम लिख लेते हैं गुणनखंड से गुणनखंड विधि से कैसे जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया ये क्वेश्चन दिया है आपको लिमिट एक्स टेन टू दो एक्स स्क्वायर माइनस दो बटा एक्स माइनस दो अब आप क्या कहोगे कि सर यहां पर तो मामला बिगड़ जाएगा यहां पर मामला बिगड़ गया कैसे क्योंकि एक्स की जगह जीरो रखने पर एक्स की जगह दो रखने पर हर तो जीरो बन रहा है मतलब ये तो अपरिभाषित रूप बन गया दिया गया फलन अपरिभाषित रूप में है दिया गया फलन अपरिभाषित रूप में अगर ये अपरिभाषित रूप में है तो फिर क्या करें तो उस केस में आपको इसको लिखना पड़ेगा लिमिट एक्स टेन टू टू इस केस के लिए आप क्या करोगे इसका गुणनखंड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस दो को एक मिनट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा टिक 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 माइनस दो बना देते हैं इसको चार कर देते हैं ना मामला सब सही हो जाएगा देखा तो एक खाब तो फिर सिलसिले हुए आ, अभी भी अपरिभाषित रूप ही है तो अपन इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं दो का स्क्वायर तो एक्स प्लस दो और एक्स माइनस दो बटा एक्स माइनस दो अब तो लहराया मस्ती भरी में एक्स की जगह दो रख दो अब ये फलन परिभाषित हो गया दो प्लस दो चार आ गया कितने बच्चों का आंसर चार आ गया था और कितने बच्चे ऐसे जो इंतजार कर रहे थे हम्म <coughs> हम्म <coughs> हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ जल्दी बताओ फटाफट लिमिट एक्स टेन टू टू एक्स की गा तीन माइनस आठ बटा एक्स माइनस दो देखते हैं कौन करता है आप में से जल्दी बताओ फटाफट एक्स की जगह दो पुट कर देंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान सा लग जाएगा इसको चेंज कर दें क्या थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यार ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है तुम तो कर लोगे इसको इतने इंटेलिजेंट तो हो जल्दी जल्दी बताओ फटाफट जवाब बता दो यार गाना वाना तो चलता रहेगा पूरे साल इसी आनंद इसी जोश इसी उमंग एक बच्चा कह रहा है अब क्या करें अपरिभाषित रूप है तो अब इसको कन्वर्ट इसके फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फॉर्मूला कैसे लगाएंगे फॉर्मूला इस तरह से लगाएंगे कि आंख उठाना तेरा मुस्कुराना तेरा आठा कर झुकाना गजब ढा गया हाँ तो बात इतनी सिंपल सी है एक्स की क्यूब माइनस दो का क्यूब लिख सकते हैं इसको इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर ऊपर वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का गंदा सा फॉर्मूला बन जाएगा जो में से जो कि आप में से अधिकतर लोगों को नहीं आता ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि दो एक्स बटा ए प्लस बी सच कहा ना मैंने आधे लोगों को नहीं आता किसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाओ तो कोई बात नहीं सच से ठेस ही पहुंचता है एक्स की जगह दो रख देंगे तो दो का स्क्वायर चार 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 एक्स की जगह दो रख देंगे और नीचे आ जाएगा आपके पास एक्स की जगह दो रखेंगे तो दो प्लस दो आ जाएगा चार और चार आठ दो दूनी चार बटा दो प्लस दो चार हो जाएगा आठ और चार बारह होता है बटा चार कर देंगे इधर तीन आ जाएगा फिर से देख लेते हैं एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी आपके पास एज इट इज आ गया इन दोनों से कैंसिल हो गया एक्स की जगह दो रखा दो का स्क्वायर चार चार इट इज आ गया और दो दूनी चार चार और चार आठ और चार बारह इट इज आ जाएगा नीचे दो प्लस दो मिलकर चार बन जाएगा काट पीट कर देंगे तीन आ जाएगा मजा आया बोलो मजा आया ये है सब कि लिमिट एक्सटेंड टू वन एक्स माइनस वन बटा दो एक्स स्क्वायर एक रख दूंगा तो पांच और दो मिलके सात सात में से सात घटा देंगे जीरो आ जाएगा क्या करें साहब दो एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस पांच दो एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस पांच लिमिट एक्सटेंड टू जीरो गाना नहीं गा सकते ना यार गाना पूरा गाने का मतलब है फिर कॉपीराइट आ जाएगा कॉपीराइट नहीं लाना ना अपन को अब क्या करें साहब ये तो अटपटा सा दे दिया अटपटा सा कुछ नहीं दिया क्योंकि x की जगह एक रखने पर अपरिभाषित रूप बन रहा है यह भी कैसा रूप है अपरिभाषित रूप अपरिभाषित तो फिर क्या करें तो फिर आपको करना सिर्फ इतना सा है ये जो x माइनस बने इसको तो एज इट इज रख दो नीचे वाले पद का गुणनखंड नाम की कोई चीज पड़ी होगी गलती से आपने इसके अगर गुणनखंड करें तो गुणा करने पर दस आना चाहिए और जोड़ने पर सात आना चाहिए तो आप कह सकते हो दो एक्स स्क्वायर माइनस का दो एक्स और माइनस का पांच एक्स दोनों को जोड़ेंगे माइनस का सात एक्स गुणा करेंगे तो प्लस का दस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बहुत बढ़िया यहां से दो एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स माइनस एक माइनस वन कॉमन आ जाएगा माइनस पांच कॉमन आ जाएगा अरे तो एक्स माइनस एक एक्स माइनस एक और दो एक्स माइनस पांच यह आ जाएगा तो यानी नीचे वाला जो पद है इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस एक और दो x माइनस पांच ये दोनों आपस में एक बार कट जाएंगे अब x की जगह आप हंसते हंसते प्यार मोहब्बत से एक रख दो कोई दिक्कत नहीं आएगी एक बटा दो एक्स माइनस पांच है एक्स की जगह एक रख देंगे तो एक बटा दो गुणा एक माइनस पांच पांच में से दो गया तो तीन तो माइनस का एक बटा तीन इसका आंसर आ जाएगा किस किस एक किसी बच्चे का तो एक बटा सात भी आया तुम्हें वरदान मिला है भाई वरदान मत वरदान मिला है तुम्हें लिमिट टेन टू वन दो एक्स माइनस तीन लिमिट टेन टू वन दो एक्स माइनस तीन रूट एक्स माइनस वन बटा दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस तीन ये आपके पास इस तरह से है ऐसा अब क्या करोगे x की जगह क्या पुट करो देखो अगर होगा तो कैसे सॉल्व होगा अगर होगा तो कैसे सॉल्व होगा सिंपल है बहुत कोई इसमें रॉकेट साइंस का कंसेप्ट इसमें अप्लाई नहीं हो रहा बहुत सिंपल सोबर है एकदम आंख उठा कर झुका गजब ढा गया एक तो मैं फिर तुम्हारी हंसी कम ना थी उस पे मेरा तराना गजब ढा एक्स की जगह एक पुट करने पर नीचे अपरिभाषित रूप बन रहा है अब इस केस में हम क्या करेंगे परिमयीकरण करेंगे क्या करेंगे इसमें मैं ऊपर लिख देता हूं तो लिमिट दो एक्स माइनस तीन रूट एक्स माइनस एक दो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस तीन अभी तक के परिमयीकरण आपने अलग तरीके से देखे होंगे अभी तक आपने जो परिमयीकरण देखे हैं वो देखे हैं कि हर के अंदर अगर रूट वूट आ जाए तो ऐसा ऐसा कुछ कर दो पर उसके विपरीत चिन्ह से गुणा गुणा कर दो ऐसा देखा हो यहां पर इसका अपोजिट साइन लेना पड़ेगा यानी कि इसको गुणा करना है अंडर रूट एक्स प्लस वन बटा अंडर रूट एक्स प्लस वन से क्योंकि ऊपर एक्स की जगह जैसे एक रखेंगे तो एक माइनस एक जीरो बन रहा है और नीचे भी जीरो बन रहा है अपरिभाषित रूप बन रहा है जीरो अपॉइंट जीरो का जीरो बटा जीरो बन रहा है ना तो जीरो बटा जीरो बन रहा है इसको आपको हटाना पड़ेगा इसके लिए हमने क्या किया अंडर रूट एक्स माइनस वन जो था इसका अपोजिट अंडर रूट एक्स प्लस वन से परिमयीकरण कर दिया ऊपर और नीचे फिर क्या हुआ इच्छा बाकी है मेरे दोस्त ये तो बन जाएगा दो एक्स माइनस तीन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यह ऐसा बन जाएगा रूट अट जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर वाला देखो ए प्लस बी ए माइनस बी का रूप बन रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब root X का square minus एक का स्क्वायर तो रूट एक्स का स्क्वायर जो है वो कितना होता है एक होता है रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है और एक का स्क्वायर एक आ जाएगा और नीचे वाला पद जो है ये बन जाएगा दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस तीन एक मिनट ये वाला स्टेप सबको समझ में आ गया क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसको ये नहीं पता हो यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया है ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आप लोगों को यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सर इतना दिमाग हमारा क्यों नहीं चलता सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है गुरु इस दुनिया का कोई भी काम सिर्फ प्रैक्टिस का खेल आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा अच्छी होगी ना आप उतने ज्यादा मास्टर हो गए अपने फील्ड के सारा खेल प्रैक्टिस का है क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन आपने भी फर्स्ट टाइम देखा है तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल है बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है अभी से एक बस यार अब क्या रुलाएगा क्या यार इतना कौन करता है भाई अब क्या कर सकते हैं बोलो अब एक्स की जगह एक रखने पर अभी भी जीरो बन रहा है क्या बन तो अभी भी रहा है अब क्या करें? मामला तो अब है पिक्चर तो अब शुरू होगी क्योंकि यहां पर अभी भी जीरो बन रहा है तो आपको तो ऐसे तरह से लिखना है कि जीरो नहीं बने पर वो कब बनेगा दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस तीन को फैक्टर करके देखो फैक्टर करोगे तो क्या आएगा यहां लिख लू क्या यहां लिख लेता तो हूं बाकी बाद में काम में आ जाएगा दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस तीन गुणा करने पर छह आएगा और जोड़ने पर प्लस का एक आएगा तो आप इसको लिख सकते हो दो एक्स स्क्वायर गुणा करने पर छह और जोड़ने पर तो प्लस का तीन एक्स और माइनस का एक्स गुणा करेंगे तो कितना आएगा गुना करेंगे तो ये माइनस का छह एक्स स्क्वायर आ जाएगा और जोड़ेंगे तो प्लस का एक्स आ जाएगा बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया ये आपके पास बन गया अब क्या कर सकते हो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है इसको अगर मैं इधर उधर लिख दूं तो मजा आ जाएगा कि माइनस का दो एक्स प्लस का तीन एक्स इसको ध्यान से देखो यहां से दो एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस वन बच जाएगा और प्लस का तीन कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस वन बच जाएगा तो दो एक्स प्लस तीन और एक्स माइनस एक दो एक्स प्लस तीन और एक्स माइनस एक इस क्वेश्चन में एक चीज है यहाँ पर ये प्लस होगा ये प्लस होगा ये भी प्लस ये भी प्लस तो दो एक्स प्लस तीन और एक्स माइनस एक ठीक है और यहां पर एक चीज और है हमारे पास रूट एक्स प्लस एक अब क्या हो रहा है इससे तो ये कट गया एक्स माइनस से ये कट जाएगा एक अब एक्स की जगह अगर मैं एक रखता हूं तो मान मिल जाएगा मुझे एक बटा दो ये फाइनल आंसर है इसका भारी है ना भारी है बोलो भारी है क्या बारी है सर सॉरी फॉर लेट कोई बात नहीं मुर्गा बन जाओ यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो यह था पूरा का पूरा आपका लिमिट वाला पार्ट अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला की जो कि जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं अवकलज की बात कर रहे हैं और अवकलज में प्रथम सिद्धांत जो है वो आपका सिलेबस में नहीं है प्रथम सिद्धांत आपके सिलेबस में नहीं है प्रथम सिद्धांत आपके सिलेबस में नहीं है मैं जल्दी जल्दी आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि कौन कौन सा फॉर्मूला आएगा ठीक है चले देखो पहला वाला है d बटा डी एक्स अगर कोई देखो अवकलन क्या होता है ट्वेल्थ क्लास में जब मैं आपको पांचवा चैप्टर पढ़ाऊंगा ना अगर इस चैप्टर को मैं आपके जहन में ना उतार पाया तो ये समझ लो मेरा पढ़ाना ही व्यर्थ है और यकीन मानिए ये आपके जहन में इतना उतर जाएगा पांचवा चैप्टर जैसे आएगा तब तब आपको लगेगा कि आपने वास्तव में एस से पढ़ाई करी उस दिन आपको लगेगा ये बात उस दिन आपको ये बात फील होगी अचर पद की बात करेंगे अचर पद में कोई चेंज नहीं होता इसलिए हम इसको जीरो लिखते हैं दूसरा d बटा डी एक्स एक्स की घात अगर n दिया गया है तो इसका फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन तीसरा d बटा डी एक्स अगर आपको दिया गया है एक की घात x तो इसका फार्मूला होता है एक की घात x log a चौथा d बटा डी एक्स ई की घात अगर x दिया गया है तो आप इसका फार्मूला होता है e की घात x और पांचवा d बटा डी एक्स अचर पद हो गया एक्स हो गया और किसी फलन का उसी के रेस्पेक्ट में अगर करते हैं एक्स का एक्स के ही रेस्पेक्ट में करते हैं तो इसका आंसर आता है एक फिर इसके बाद आता है डी बटा डी एक्स साइन एक्स तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स का हुआ कुछ तो गड़बड़ है बाबू ये काहे बंद हो गया कुछ तो गड़बड़ है बाबू ये काहे बंद हो गया सर मुझे आईआईटी करना है प्लीज बता दीजिए क्या करना है पढ़ना है और तुम्हें आईआईटी करना है क्या हुआ बंद हो गया यार बुरा मान गया इसको अवकलन पसंद नहीं आया थोड़ा सा इसलिए बुरा मान गया हे प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथन ये क्या हुआ कमरे से लाइट चला गया अभी चालू हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं एक हाथ मिनट लगेगा हम्म 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 आप लोगों का मोए मोए हो गया मोए मोए अजीब सा शब्द है यार आ गया बोलो आज के आनंद जय जल्दी से बोलो फटाफट फिर आगे वाला फॉर्मूला लिखते हैं। ये ई e की घात एक्स और ये क्या था अगर हम एक्स के ही पद में करते हैं तो इसका आंसर एक आ जाएगा फिर आता है डी बटा डी एक्स साइन एक्स जिसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स डी बटा डी एक्स कॉस एक्स जिसको हम लिख सकते हैं माइनस का साइन एक्स फिर आता है डी बटा डी एक्स साइन कॉस टेन टेन एक्स का डी बटा डी एक्स कॉट एक्स इसका होता है माइनस का से एक स्क्वायर एक्स सेक एक्स इसका होता है सेक एक्स टेन एक्स और एक होता है आखिरी कौश एक्स जिसको हम लिख सकते हैं माइनस का कौशेक एक्स कॉट एक्स हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ तुम्हारी दो तो पद अगर दोनों ही चर राशि हो ये दोनों ही चर राशि हो तो उस केस में फर्स्ट को छोड़ दो सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ दो और फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाता है अगर u बटा वी है और दोनों ही चर है तो उस केस में v का स्क्वायर v को छोड़ दो u का डेरिवेटिव माइनस यू को छोड़ दो v का डेरिवेटिव ये कुछ फॉर्मूले होते हैं एक लॉगिक छूट गया चल जा भाई यार इससे परेशान हो गए यार आधा तो ये बंद हो जाता चलता चलता डी बटा डी एक्स इसकी जगह आप लिख लो लॉग एक्स लिख लेते हैं लॉग एक्स का होता है एक बट एक्स तो स्वीट आर्ट्स ये थे अपने सारे के सारे जो हमने डिस्कस किया मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन भी बता दिए डायरेक्टली बता दिया और जिसमें सूत्र लगता हो वो भी मैंने आपको बता दिया एन ए एन माइनस वन वाला तो एन ए ए एन माइनस वन किया क्या हमने एक मिनट कहीं तो किया होगा नहीं किया क्या हम्म चलो कोई बात नहीं आगे डिस्कस कर लेंगे तो जनाब यह है इतना सा पोर्शन था जो हमने डिस्कस किया आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा मजा वजा आ गया होगा अब मंडे से जो है वो आपकी नए सेशन की पहली क्लास होगी एक तरह से और हम आवयू डिस्कस करेंगे आई होप आप सभी लोग क्लास में आएंगे क्लास को आनंदित और बिल्कुल माहौल एकदम मस्त वाला बना के पढ़ेंगे पहली क्लास है तो किसी भी कोई भी बच्चा मिस मत करना क्योंकि फिर आगे की क्लासेस भी आपकी मिस होती ठीक है चलिए इजाजत दीजिएगा इस वीडियो में फिलहाल इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी इसके आगे के टॉपिक बाय बाय टेक केयर स्वस्थ रहे मस्त रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे जय हिंद